आठ गेंदबाज की और जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है और रंजन केली को अपनी सेंचुरी पूरी करने के लिए सिर्फ 10 रन चाहिए और विक्रम को अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करने के लिए सिर्फ 1 रन की जरूरत है। अगर दोनों खिलाड़ी यूं ही जोश और होश से खेलते रहे तो दोनों मिलकर अपनी मंजिल को हासिल कर ही लेंगे, साथ में अपनी टीम को विजयी भव भी साबित कर देंगे। इस दिलचस्प मैच को देखने के लिए इंटरनेशनल टीम के सिलेक्टर्स भी आए हुए हैं जो इस मैच के हर एक बॉल और हर एक स्ट्रोक को बारीकी से फॉलो कर रहे हैं। ये एक बहुत ही खास मैच है क्योंकि यहाँ पर आए हुए सिलेक्टर इनमें से एक नौजवान खिलाड़ी को इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में खेलने के लिए चुनेंगे। अब अगली ओवर डालने के लिए आए हैं बलविंदर। बलविंदर पर इस वक्त बहुत ही प्रेशर होगा क्योंकि उनको ये क्रिटिकल ओवर डालने के लिए बुलाया गया है। सिलेक्टर के सामने अपना हुनर साबित करने के लिए उनके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है और ये विकेटकीपर आलोक का निशाना चूका नहीं और विक्रम हो गए रन आउट। रंजन ने बलविंदर के यॉर्कर का सामना किया और एक रन लेने गए लेकिन फिर वापस अपने क्रीज में आ गए। इस कंफ्यूजन की वजह से अफसोस विक्रम अपनी हाफ सेंचुरी पूरी नहीं कर पाए। ये बहुत ही मायूस। कोई नहीं यार, मैं तो अपनी हाफ सेंचुरी पूरी नहीं कर सका मगर अब ये मैच तेरे हवाले है। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। रंजन ने तुझे ना जानबूझकर आउट करवाया। तू इस सब पे कॉन्सेंट्रेट मत कर, फिलहाल मैच पर ध्यान दे। सिलेक्टर्स की गुड बुक्स में होना है तुझे। ऑल द बेस्ट। क्यों गौरव, आउट करा दिया ना तुझे भी उसने। सो सैड। क्या? अरे नहीं था यार। अरे क्यों नहीं था यार, बाउंड्री के पास से बॉल गई थी ना, दो रन आराम से निकल सकते थे। अगर तूने रंजन को सेंचुरी बनाने से पहले आउट कर दिया ना तो तू ही सिलेक्ट हो जाएगा और हम ये मैच जीत जाएंगे। ऑल द बेस्ट। और ये एक और बाउंसर। अब जीतने के लिए टीम को 4 गेंदों में चाहिए 14 रन। टारगेट धीरे धीरे और भी मुश्किल होते जा रहा है। लेकिन ये क्या, अभी अभी मैंने कहा था कि टारगेट और भी मुश्किल होते जा रहा है लेकिन रंजन ने छक्का मारकर मुझे गलत साबित कर दिया। और अब इस मैच की आखिरी गेंद, बल्लेबाज रंजन के माथे पर शिकन साफ नजर आ रही है। खेलकर रंजन ने अपनी टीम को जिता ही दिया। प्राउड ऑफ यू माय सन। थैंक यू सर। मुझे उम्मीद है नेशनल टीम में आप सबसे पहले चुने जाओगे और T20 में आप ऐसे ही धमाल मचाओगे।
थैंक यू। मिस्टर सुपरस्टार, आई होप अब तुमको टाइम मिलेगा मुझसे बात करने का। ओह प्लीज अंदर। ऑसम। स्टार खेलना चाहता है ना, तो फेयर खेला कर, बेईमानी क्यों करता है? अबे जबान संभाल कर बात कर, क्या बक रहा है तू? मैं बक नहीं रहा हूँ, समझा? सच्चाई बता रहा हूँ, तेरी वजह से मैं रन आउट हुआ हूँ। फील्ड में कम्युनिकेट करते नहीं आता क्या? अबे फील्ड पर क्या करना है ये तू मुझे मत समझा, ठीक है? और तू कौन होता है मुझे क्रिकेट सिखाने वाला? अबे तो मैं तुझे सॉरी बोलना तो सिखा ही सकता हूँ। तू कौन होता है मुझे क्रिकेट सिखाने वाला? अरे यार प्लीज यार रुको यार, रुको यार, क्या कर रहे हो? ए तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, समझा ना? यार प्रेशर में गुस्सा आ जाता है तो। अरे उसे समझा यार, प्लीज यार प्लीज, देख लूंगा मैं तुझे, समझा ना? तुझे छोड़ूंगा, चिल कर, कुछ नहीं होगा। अब फटाफट फ्रेश हो जा, सेलिब्रेट करते हैं, रॉक्सी पब चलते हैं, पार्टी करते हैं, जीते हैं हम यार। ठीक है, अच्छा लेकिन मेरा फोन कहाँ है? फोन मैं तेरा लॉकर रूम में भूल गया। ठीक है तो मैं लेके आता हूँ, तुम लोगों को डायरेक्ट रॉक्सी क्लब में मिलता हूँ। बिल्कुल नहीं, मुझे पता है अगर तू गया तो फिर तू वापस नहीं आएगा। Exactly. इसीलिए मैं और संजना तेरा बाहर वेट करेंगे, तुझे आना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये संभाल करेगा। कौन है यहाँ? बहुत हो गया इन लोग का मजाक, हद है यार, मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। क्रिकेट पिच पर मुझसे 9:30 बजे अकेले मिलो। इस क्रिकेट के खेल के बाद हम पिच पर कोई नया खेल खेलेंगे? ये तो एक सरप्राइज है मेरी जान, डोंट बी लेट। संजना, बड़ा अच्छा तरीका है प्यार जताने का, शायद सच में कोई खास सरप्राइज प्लान किया मेरे लिए। लो ये लोग तो जा भी रहे, पता नहीं हम कब जाएंगे। बाय। यार ये तुम लोग का भद्दा मजाक बंद करो यार, हर एक चीज की लिमिट होती है यार, और इस बार मैं डरने वाला नहीं हूं। तुम लोग जो कोई भी हो, प्रैंकस्टर्स, मेरे सामने क्यों नहीं आते? कौन है यार यहां? कोई भी तो नहीं। रंजन उठो ना, रंजन करो। मैंने नहीं मारा रंजन को, मैंने नहीं मारा रंजन को। How can you do this? नहीं मारा मैंने रंजन को। मैं जो भी कहना है ना पुलिस के सामने कहना। Your Honor, ये सत्य है कि इस हत्या के सारे साक्ष्य और साक्षी सब मेरे मुवक्किल के विरुद्ध हैं। किंतु ये भी सत्य है कि ये हत्या गौरव ने नहीं की है,
माना कि ये रंजन से क्रोधित दोनों के बीच मारामारी हुई, हाथापाई हुई। उसका कारण ये था योर ऑनर कि मैच के समय रंजन ने जानबूझकर गौरव को रन आउट किया था। ये भी सत्य है योर ऑनर कि गौरव घटनास्थल पर पाए गए, किंतु इसका कारण ये बताएंगे। बताओ क्यों गए थे तुम घटनास्थल पर? योर ऑनर आता मैं बोलता है। बस आ बैठ। तुला का बाटल गुगली टाकली? ये तुम्हारी गलत फहमी थी, वो गुगली नहीं डेड बॉल थी। डेड बॉल गौरव रन आउट हुआ, लेकिन उसे लगा कि रंजन ने उसे जानबूझकर रन आउट किया। मैं ऑनर जब हम क्रिकेट खेला करते थे तब हम उसे क्रिकेट का खेल नहीं धर्म मानते थे, लेकिन इन यंगस्टर्स को पैसा और नाम कमाने का एक जरिया था क्रिकेट खेलना। इसकी जलेसी बढ़ गई। काय तुला सेलेक्ट नहीं हुआ इसे? इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलना है तुम्हें? जी हर क्रिकेटर इंटरनेशनल लेवल पर खेलना चाहता है। आता मैं बोलता है फिर ऑनर। तब तो गौरव शांत हो गया। उसे लगा कि अगर रंजन जिंदा रह गया तो इसे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिलेगा। गौरव ने खूबसूरत से एक प्लान बनाया। ये चिट्ठी रंजन के लॉकर में रख दी। योर ऑनर ये वही चिट्ठी है जो मौका वारदात से रंजन के पॉकेट से बरामद हुई, जिसमें रंजन को पिच पे बुलाया गया। बहुत ही रोमांटिक तरीके से लिखा गया ताकि रंजन को लगे कि संजना ने उसे पिच पे बुलाया। इस मर्डर वेपन पे गौरव की उंगलियों के निशान है और संजना ने गौरव को इसी बैट से रंजन को मारते हुए देखा। सर मैंने अपनी आंखों से देखा था गौरव को स्टेडियम की ओर जाते हुए और रंजन का खून करते हुए। सर मेरी आंखों के सामने गौरव ने रंजन को मार डाला और सर उसी बैट से मारा है। Order, order. Silence in the court. He last ball hoti, Your Honor. Gaurav clean bowled. Match over. Case simple, Your Honor. क्षमा चाहता हूँ, मेरे मुक्किल क्लीन बोल्ड नहीं हुए क्योंकि ये जो लास्ट बॉल आपने डाला था ये नो बॉल था। Your Honor, मैं अदालत से अनुमति चाहता हूँ संजना जी से प्रश्न करने के लिए। इजाजत है? हाँ संजना जी, आपने अपने कथन में बताया कि गौरव आपके पास आया, आप और विक्रम दोनों एक साथ खड़े थे। गौरव क्षमा मांगना चाहता था रंजन से और गौरव ने आके आप दोनों से पूछा कि वो कहाँ है। जी। तो आपने कहा कि वो लॉकर रूम में है। जी। तो फिर गौरव अंदर गया, आप और विक्रम वहीं खड़े रह गए, प्रतीक्षा कर रहे थे रंजन के आने की। जी। कितने समय तक प्रतीक्षा की आपने? तकरीबन 5 से 7 मिनट। क्या हुआ अचानक? फिर आपको भय का आभास हुआ क्योंकि दोनों के बीच में झड़प हो चुकी थी, लड़ाई हो चुकी थी, आपको लगा कहीं फिर से ना हो जाए तो देखने ढूंढने आप गई अंदर? जी सर। और सर मेरा शक बिल्कुल सही निकला। नहीं, आपके शक की बात बाद में करेंगे। सर्वप्रथम योर ऑनर ये बात पहचाना जरा कठिन है कि अगर गौरव रंजन की हत्या करने हेतु अंदर गया था तो फिर इन दोनों से पूछ कर क्यों जाता, संदेह को अपनी ओर आकर्षित क्यों करता? द्वितीय बात यह है कि आपने कहा कि आपने देखा गौरव को रंजन की हत्या करते हुए, देखा था? जी सर। बैट से? ऐसे बैट से? जी सर, मैंने साफ साफ देखा कि गौरव ने इसी बैट से रंजन को मारा था। किस प्रकार से मारा था? पकड़ लिया बैट? कैसे पकड़ा था बताइए गौरव? और कैसे मारा था गौरव ने जरा मार के दिखाएंगे? दिखाइए, ऐसे ही हम नाट्य रूपांतर करना चाह रहे हैं। ऐसे ऊपर से नीचे? जी। धन्यवाद योर ऑनर। कुछ दुविधा सी पैदा होगी,
संजना कह रही है कि गौरव ने बैट ऊपर से नीचे की ओर मारा था। इसके अनुसार तो रंजन जी को माथे के ऊपर चोट आनी चाहिए थी, किंतु फोरेंसिक्स का ये कहना है, उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि बैट दाहिनी से बाईं तरफ था, तभी रंजन जी के माथे के बाईं ओर पर चोट लगी। अब फोरेंसिक रिपोर्ट संजना जी कुछ कह रही है, आप कुछ कह रही हैं, किसकी बात माने? I'm sorry, sir. झूठ बोला आप? झूठ बोला या नहीं बोला? सर वो दरअसल मुझे गौरव पर शक है और गुस्सा भी, इसलिए मैंने झूठ बोला। झूठ बोला यार रोना, इसका ये अर्थ होता है कि इस प्रकार से ये वर्णन कर रही थी, गौरव ने बैट रंजन को नहीं मारा। अब ये तो सत्य है योर ऑनर कि गौरव घटनास्थल पर हाथों में बैट लिए पाया गया। वो बैट इनके हाथों में कैसे आया, मैं चाहता हूँ कि उसका वर्णन यही करें। रंजन के साथ झगड़ा करने के बाद में मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे सॉरी बोल दूंगा। रंजन का क्यों, अब भी झगड़ा करना बाकी रह गया है क्या? नहीं यार, झगड़ा करके पछता रहा हूँ तो उसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। गुड, वो लॉकर रूम में। थैंक यू। जब मैंने रंजन को लॉकर रूम में भी नहीं देखा तो मैं उसे ढूंढता हुआ फील्ड पर चला गया और मैंने देखा कि रंजन वहाँ पर लेटा हुआ पड़ा था। जब मैं रंजन की ओर बढ़ रहा था तो अचानक से मैंने उसके करीब अपनी बैट देखी। मैं पहुंचा और मैंने अपने हाथों में अपना बैट उठा लिया। अर्थात योर ऑनर, गौरव ने हत्या की इस बात का कोई प्रमाण नहीं, कोई प्रत्यक्ष दर्शी साक्षी नहीं, नो आई विटनेस। रही बात उस पत्र की, वो पत्र संजना जी बहुत ही प्रेम पूर्वक भाषा में लिखी गई है, ऐसा पत्र जो अक्सर एक प्रेमिका लिखती है। ऐसा तो नहीं कि आप ही ने वो पत्र लिखकर बुलाया हो रंजन जी को? नहीं सर, मैंने कोई मैसेज या कोई लेटर नहीं लिखा। हाँ, मैसेज तो किया था आपने, संदेशा तो भेजा था योर ऑनर। ये रंजन जी का फोन है, इस पर ये देखिए संदेश है। आप ही का है संदेश, ये प्रेम भरा, जिसके तहत आप उन्हें बोल रही हैं कि मैच समाप्त होने के बाद आप उनसे एकांत में मिलना चाहती है। क्यों एकांत में मिलना चाहती थी आप उनसे? मैं रंजन को लाइक करती थी और उसे प्रपोज करना चाहती थी। अद्भुत बात है, बात समझ में नहीं आई मेरी। अद्भुत इसलिए योर ऑनर क्योंकि जहां तक हमें जानकारी प्राप्त हुई है, कुछ वर्ष पूर्व संजना जी की सहेली, बचपन की सहेली रोमा, जो इस चित्र में रंजन जी के साथ दिखाई दे रही है, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस के इस FIR के अनुसार एक आत्महत्या पत्र मिला था, योर ऑनर, सुइसाइड नोट, जहां पर वो क्षमा मांग रही है अपनी सहेली को छोड़ के जाने के लिए। उस समय योर ऑनर कहानी कुछ ऐसी थी कि रोमा रंजन को अपना दिल दे बैठी। अब इसे आप नाकामयाब प्रेम कहिए या फिर कुछ और, रोमा ने आत्महत्या कर ली और संजना जी आपने इसका उत्तरदायी रंजन को ठहराया था। सूत्रों से ये भी समाचार मिली है कि उसके मृत्यु के पश्चात चौथे पर आपने वचन दिया था रोमा जी की माता जी को कि आप उसकी आत्महत्या का बदला अवश्य लेंगी। तो ये सब कार्यक्रम जो आपने बनाया था, इसे आप अंजाम तक लेकर गई। आपने वो पत्र लिखा, रंजन को वहां बुलाया। अरे संजना, मैंने तो सोचा था तुमने हमारी मैच फिक्सिंग के लिए यहाँ बुलाया, मगर तुम बैट लेके क्यों आई? अपना मुंह बंद करो और अपनी आंखें भी। आंखें क्यों? करो ना, और याद करो 4 साल पहले क्या हुआ था। क्या? किसी को तुमसे प्यार हुआ था, बेइंतहा प्यार हुआ था, और तुमने क्या किया? तुमने उसे धोखा दिया, उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। उस लड़की ने तो खुदकुशी कर ली, वो तो बेचारी मर गई, और अब तुम मरोगे। संजना, नहीं सर, मैंने रंजन को नहीं मारा। योर ऑनर, ये मैच फिक्सिंग कर रहे हैं केड़ी,
ये कैसे मुमकिन है? संजना रंजन को कैसे मार सकती है? वो तो विक्रम के साथ खड़ी थी। योर ऑनर, क्यों ना इस बात की पुष्टि विक्रम जी को यहाँ कटघरे में बुला कर रहा किया जाए। जी सर, जब गौरव रंजन के बारे में पूछने आया था तब संजना मेरे ही साथ थी। संभवतः याददाश्त आपकी स्मरण शक्ति साथ नहीं दे रही। कैंटीन वाले का कहना है कि आप उसी समय में उसी मध्यांतर में आप गए थे कैंटीन कॉफी लेने अपने लिए और संजना जी के लिए। जी जी सर, गौरव के जाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए कॉफी लेने गया था। विक्रम जी कॉफी लेने चले गए थे और ऑनर संजना जी वहाँ अकेली थी, तो पूरी संभावना है कि समय का लाभ उठाकर संजना जी सर्वप्रथम लॉकर रूम में गई, वहाँ से गौरव का बैट लिया, फिर पिच पे गई, क्योंकि वो चिट्ठी तो उन्होंने लिखी थी, वो पत्र लिखा था, पत्र पढ़ के रंजन जी वहाँ आए और संजना जी रंजन जी की हत्या कर दी। योर ऑनर, ये कैसे मुमकिन है? ये सब मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। योर ऑनर, होने को तो कुछ भी हो सकता है। जिस प्रकार से गोखले साहब ने अपनी दलील रखी है उस प्रकार से मैंने भी, प्रतिपक्ष ने भी अपनी दलील रखी है। अदालत प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों को अगली सुनवाई में पुख्ता सबूत और गवाहों के साथ आने की हिदायत देती है ताकि अदालत अपना फैसला सुना सके। द कोर्ट इज एट योर। रंजन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ बहुत ही विचित्र बात है। क्या सर? इसके अनुसार उसके बाएं कंधे पर चोट लगी थी। सर, उसे जब बैट से भी मारा था वो भी लेफ्ट साइड से ही वार किया था ना? वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर बाएं तरफ से मारा उसके माथे पर लगा, वो गिरा अपनी दाहिनी तरफ, तो दाहिने कंधे पर चोट होना चाहिए, बाएं पर कैसे? बॉस, अपुन लाइला है, अपुन को मिल गया विक्रम का कैंटीन का फुटेज ना, सीसीटीवी। को लगता है ये विक्रम ना सच बोल रहा है। बॉस सर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो चिट्ठी किसने लिखी है। वो संजना ने चिट्ठी लिखी रहेंगी और अब पता नहीं क्या कुछ छुपा रही। एक मिनट तुम दोनों चुप रहो। घटनाक्रम क्या है यहाँ? सर्वप्रथम रंजन ने विक्रम से पूछा उसके मोबाइल फोन के बारे में। विक्रम ने कहा मोबाइल फोन लॉकर में है और वो लॉकर रूम में गया, लॉकर में उसे वो चिट्ठी मिली। जो भी हुआ लॉकर रूम से हुआ, उसके लॉकर खोलने पे हुआ। मुझे लगता है उस लॉकर रूम की उस लॉकर की छानबीन करनी चाहिए। संजना जी, जानकारी के अनुसार रंजन जी ने अपनी किट आपको सौंपी थी, सत्य है ये बात? दरअसल उस दिन रंजन लेट हो चुका था, बाकी सारे प्लेयर्स ग्राउंड पे पहुंच चुके थे और रंजन का वेट कर रहे थे। इनफैक्ट कोच सर भी रंजन का ही वेट कर रहे थे, तो रंजन ने किट मुझे दे दिया। किट जब उन्होंने आपको दी थी, फिर वो लॉकर रूम में कैसे पहुंच गई? क्योंकि सर मैंने ही उसे लॉकर रूम में रखा था, रंजन ने ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। अगर किट लॉकर रूम में आप रख सकती हैं, तो वो चिट्ठी भी तो एनी टाइम आप। योर ऑनर, माला का एक गलत ना, केडी पिछली सुनवाई से संजना को आउट करने की अपील कर रहे हैं, मतलब इल्जाम लगा रहे हैं। इन्होंने पिछली बारी डेमोन्स्ट्रेट किया था कि रंजन के सर पर बैट कवार कैसे लगा था। मैं बताता हूं आपको, ऐसे इट्स कॉल्ड अ हुक शॉट योर ऑनर। लेकिन ये तो कोई लड़की भी कर सकती है। योर ऑनर, फोरेंसिक के मुताबिक जिस ताकत से रंजन पर वार किया गया था
वो सिर्फ एक पुरुष ही कर सकता है, जैसे कि एक बैट्समैन। पॉइंट नंबर टू, जिस एंगल से बैट मारा गया था वो ऐसे सीधा था, इसका मतलब ये है कि वो दोनों पुरुष एक ही हाइट के थे। अगर संजना ने किया होता तो वो बैट का एंगल ऐसे होता, क्योंकि संजना की हाइट 6 इंच रंजन से छोटी है। अगर मेरे दोस्त केडी पाठक अभी भी नहीं समझे तो हम संजना का फिजिकल टेस्ट करवा सकते हैं। योहान, केडी, अगर तुम चाहो तो हम ये ऑर्डर्स पास कर सकते हैं। जी नहीं योर ऑनर, मैं गोखले साहब की बात से सहमत हूँ, अब बैठ सकती हैं। योर ऑनर, हम आगे बढ़ते हैं। केडी पाठक साहब नेट प्रैक्टिस के बिना मैच खेलने आ गए, इस बार तो जरूर मैच हार जाएंगे। योर ऑनर, मैं पिच स्टंप की सीसीटीवी फुटेज दिखाना चाहता हूँ। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ऐसे किसी फुटेज के बारे में डिफेंस को नहीं बताया गया। योर ऑनर, शांताराम गोखले 35 साल से वकालत कर रहे, अभी तक कोई चूक नहीं की मैंने। ये कुरियर रिसीट है, इससे साफ जाहिर होता है कि केडी पाठक के ऑफिस में ये सीसीटीवी फुटेज भेज दिया गया था। अब इन्होंने क्यों नहीं देखा ये मैं नहीं जानता। ये दूसरा था, देखिए उन जूतों को, सेम टू सेम जूते हैं जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए गए। वो जूते प्रेम के दृष्टि से भाग चले गए, लेकिन वो परछाई अभी तक वहीं रुकी हुई है। ऐसा लग रहा है कि वो परछाई नीचे जमीन से कुछ निकालने की कोशिश कर रही है। योर ऑनर, आज्ञा हो तो मैं अपने मोकिल से कुछ पूछना चाहूंगा। अनुमति। गोखले साहब, आपका निरूपण तो बहुत अच्छा है, किंतु ये जो दूसरा आपने फेंका ये वाइड गया। योर ऑनर, मैं आग्रह करूंगा गोखले साहब से कि एक बार फिर इस फुटेज को दिखाएं। बस 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 कर। योर ऑनर, जैसे ही ये व्यक्ति चला इसकी पैंट थोड़ी उठी, और देखिए कुटिका पर बंधा हुआ वो काला धागा दिख रहा है। काला धागा मेरा मोकिल गौरव तो बांधता नहीं, तो स्पष्ट है कि जिसका ये जूता है वो व्यक्ति गौरव नहीं। वो व्यक्ति कौन है योर ऑनर, ये पता लगाने का बहुत ही सरल तरीका है। वहां जितने खिलाड़ी घटनास्थल पर उपस्थित थे उस दिन, आज सब यहां अदालत में उपस्थित है। आपकी आज्ञा हो तो उन्हें यहां सामने बुलाओ निरीक्षण करने। अनुमति। तुम पर प्रारंभ से था, बस साक्ष्य की आवश्यकता थी जो संभवतः मिल गया है। उससे पहले तुम मुझे यह समझाओ कि सामान्य संयोग में तो तुम मिडॉन पर फील्डिंग करते हो, उसी मैच में तुमने अपने कैप्टन सुमित से आग्रह किया था कि तुम विकेट कीपिंग करना चाहते हो। वो मुझे विकेट कीपिंग अच्छी लगती है। नहीं, अच्छी लगती है या नहीं अच्छी लगती तो कोई बात ही नहीं होती, उसी दिन क्यों तुमने आग्रह किया कि तुम्हें विकेट कीपिंग करनी है? वो मैंने कैप्टन से प्रॉमिस किया था कि अगर मैं विकेट कीपिंग करूंगा तो रंजन ज्यादा रन नहीं बना पाएगा। आपके विकेट कीपिंग करने से बैट्समैन अधिक रन नहीं बना पाएगा, कैसे ये कैसे संभव होता? मैंने स्टंप कैमरा के पीछे एक केमिकल स्प्रे छिपा कर रखा था जिसका रिमोट मेरे ग्लव्स में था। वो स्प्रे इंसान के शरीर पर लगते ही उसके शरीर का वो हिस्सा कुछ वक्त के लिए सुन्न हो जाता है। जितना
मेरा सामान्य ज्ञान कहता है ये जो रसायन है अगर इसका अधिक उपयोग हो जाए तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। Am I right or am I right? Yes, sir. लेकिन मैं रंजन को मारना नहीं चाहता था, मैं तो बस इतना चाहता था कि वो मुझसे कम रन बनाए ताकि सिलेक्टर्स उसे नहीं बल्कि मुझे सिलेक्ट करें। जो हो ना सका और क्रोध में आकर आपने उनकी हत्या कर दी। ऑर्डर ऑर्डर। नहीं, मैंने रंजन को नहीं मारा। इनफैक्ट जब मैं स्प्रे की बॉटल निकालने गया तब तक रंजन ऑलरेडी मरा हुआ पड़ा था। मैं डर गया, मैंने फटाफट स्प्रे की बॉटल निकाली और भाग गया वहां से। कैसे मानने तुम्हारी बात? तुम कह रहे हो कि जब तुम वहां गए तो हत्या हो चुकी थी और तुमने वो निकाला, भयभीत होके तुम वहां से भाग गए। जब मैं स्टेडियम में वापस आया तब मेरा फ्रेंड सौरभ भी मेरे साथ था। उससे क्या? वो स्टेडियम के बाहर मेरा इंतजार कर रहा था। स्टेडियम के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा था? तुम कहाँ गए थे? मैंने स्टेडियम में आने से पहले पास के एटीएम से 5,000 रुपए कैश विड्रॉ किए थे। हम कैसे मान ले कि तुमने एटीएम से पैसे निकाले थे? एक मिनट सर। Your Honor, इस रसीद के अनुसार 7:50 पर इन्होंने एटीएम से पैसे निकाले थे। इस बात की पुष्टि होने के बाद Your Honor, स्टंप कैमरा का फुटेज देखना पड़ेगा। अगर रंजन के गिरने का समय 7:50 के पहले हुआ तो ये प्रमाणित हो जाएगा कि हत्यारा आलोक नहीं है। जब तक इस बात की पुष्टि हो रही है Your Honor, मेरे संदेह के घेरे में एक और व्यक्ति है, विजॉय। उन्हें मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। क्या है ये? मैं नहीं जानता इसे। तुम्हें नहीं पता? नहीं सर। योर ऑनर, ये यंत्र एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो हमें रंजन के लॉकर में से प्राप्त हुआ। कुछ तो कहानी है योर ऑनर इस यंत्र की। तुम कह रहे हो तुम इसे नहीं पहचानते हैं? नहीं पहचान? नहीं सर। कोई बात नहीं, इस यंत्र का जो बिल है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, चश्मों के बगैर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये नाम, क्या नाम बताया तुमने? विजॉय, ये देखो तुम्हारा ही नाम है। सर ये बिल, इससे पहले कि तुम ये कहो कि किसी ने ये यंत्र वहां से खरीदा, तुम्हारे नाम का बिल बनाया तुम्हें फंसाने के लिए, उससे पहले मैं न्यायाधीश महोदय को एक CCTV फुटेज दिखाना चाहता हूँ उस दुकान की जहाँ से ये खरीदा गया था। तो कोई शंका नहीं बची कि तुम ही ने ये यंत्र खरीदा था उस दुकान से, तुम ही ने लगाया था इसे रंजन के लॉकर में? क्यों किया था ये सब? सर वो हम लोग रंजन के साथ मस्ती कर रहे थे। क्या क्या कहा तुमने? हम लोग मतलब भागीदार भी थे तुम्हारी इस योजना में? कौन थे बताओ, कौन थे? सुमित और बलविंदर। इन तिगड़ा काम बिगड़ा, मतलब तुम तीनों ने मिलकर योजना ये बनाई थी उस यंत्र के साथ उसे रंजन के लॉकर में फिट करके। तुम तीनों क्या करना चाहते थे? सर रंजन अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता था, जब देखो तब हमारे इंसल्ट करके अपनी होशियारी दिखाता था। सर इसीलिए हमने उसके लॉकर में इलेक्ट्रॉनिक जोकर डाला और एक छोटा सा शॉक देकर उसको डराने का प्लान बनाया। मिला के उसके साथ तुम तीनों मिलकर परिहास करना चाहते थे, ये खेल खेलना चाहते थे, लेकिन इससे तुम तीनों की आत्मा को शांति नहीं मिली जब रंजन के कारण तुम्हारी टीम को पराजय का सामना करना पड़ा, तो एक और योजना बनाई और उस योजना के चलते रंजन के जीवन का अंत किया। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? सर हम तो सिर्फ वो जोकर वाला प्रैंक खेलकर उसका मजाक उड़ाना चाहते थे। पर हमने उसका खून नहीं किया और वो चिट्ठी भी हमने नहीं रखी थी, बस हम तो वो जोकर लगकर चले गए थे सर। देखिए, केवल आप लोगों के बोल देने से नहीं होता, ये अदालत है, यहाँ हर बात प्रमाणित करनी पड़ती है। प्रमाणित कर देते हैं केडी पाठक साहब। केडी पाठक साहब,
पहले ये तो पता कीजिए कि जिन खिलाड़ियों को आप आउट करने की कोशिश कर रहे हैं वो इस मैदान में खेल रहे थे या नहीं। बताइए हत्या के वक्त तुम लोग कहाँ थे? हम लोग लाइम एंड टाइम रेस्टोरेंट में बियर पीने गए थे। और हाँ सर, हमारे साथ दो चार दोस्त और भी थे, वहाँ वेटर भी थे और मैनेजर लोग ने भी देखा हमको। योर ऑनर, जब ये लोग मैदान में थे ही नहीं तो हत्या कैसे कर सकते हैं? मिस्टर केडी पाठक अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जीवन में पहली बार मैं कोई केस हारने वाला हूं। सर हमने आप ही से सीखा है, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, कुछ भी ना सूझे तो शुरुआत से शुरू करो। सर क्यों ना हम एक बार फिर से ये फैक्ट्स चेक करें? कितनी बार तो चेक कर चुका हूं वरुण, चेक करने से क्या होगा? के कारण हुआ, लॉकर तक गया, लॉकर में वो पत्र मिला, उस पत्र के कारण ही रंजन पिच पर गया जहां उसकी हत्या हुई। अगर ये पता लग जाए कि वो पत्र किसने लिखा था, पत्र कहां है, उसकी कॉपी कहां है, करता हूं आज आप ठोस सबूत और गवाहों के साथ आए होंगे। जी ऑनर, पूरे साक्ष्य के आधार पर मैं हत्यारे को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। विक्रम जी आइए। सर ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने रंजन को नहीं मारा, मैं रंजन को मार ही नहीं सकता। क्यों नहीं मार सकते थे? आप मार सकते थे और आपने मारा है, और रंजन को मारने का कारण भी था। और ऑनर इनके पास ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर बनना चाहते थे, किंतु रंजन के कारण इनका ये सपना अधूरा रह गया। इसी के चलते क्रोध आया आपको और आपने रंजन की हत्या कर दी। मुझे गुस्सा आया था लेकिन मैंने जितना पूछा जाता है उसी का उत्तर दीजिए, आगे पीछे कुछ नहीं। और केवल ये कारण नहीं था यार, इनके क्रिकेट टीम का हर सदस्य ये जानता है कि संजना जी आपको भी चाहती थी और रंजन को भी। जब आपको ये लगने लगा कि संजना हाथ से निकलकर रंजन की तरफ जा रही है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तो आपके हाथ से छीन ही गया था, आपको लगा कि आपकी प्रेमिका भी रंजन जी के कारण छिन जाएगी, इसलिए आपने रंजन जी को ही रास्ते से हटा दिया। विक्रम केवल इतना ही नहीं और ऑनर, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हत्या कैसे की गई। घटनाक्रम के अनुसार रंजन जी ने विक्रम को पूछा कि उनका मोबाइल फोन कहाँ है, तो विक्रम जी ने कहा कि मैं तुम्हारे लॉकर में ही भूल गया। प्रश्न ये उठता है और ऑनर, जब रंजन ने मोबाइल फोन इन्हें दिया था, ये अपने पॉकेट में रख सकते थे, इन्होंने वो मोबाइल फोन रंजन जी के लॉकर में क्यों रखा? रंजन जी ने जैसे ही लॉकर खोला और ऑनर, उस मोबाइल फोन के पास उन्होंने वो पत्र पाया, वो प्रेम भरा पत्र जो आपने लिखा था। नहीं सर, मैंने जितना पूछा जाए उसी का उत्तर दीजिए। उसके पश्चात यार ऑनर, संजना के साथ ये बाहर गए। गौरव इनके पास ये पूछने गया कि रंजन कहाँ है, इन्होंने कहा कि रंजन अंदर है। गौरव अंदर गया क्योंकि वो क्षमा मांगना चाहता था। कुछ समय बाद संजना को यह आभास हुआ कि रंजन अब तक क्यों नहीं लौटा, वो रंजन को ढूंढने अंदर गई। पीछे के रास्ते से योर ऑनर ये पिच पर गए क्योंकि ये जानते थे कि रंजन पिच पर आएगा इनका पत्र पढ़कर, और जैसे ही रंजन पिच पर आया इन्होंने रंजन की हत्या कर दी। योर ऑनर विक्रम ही हत्यारा, और मैं अदालत से आग्रह करूंगा कि आप इसे कड़ी से कड़ी सजा सुनाए, फांसी का दंड दें। नहीं जज साहब, उसको फांसी पे मत चढ़ाना जज साहब, उसने कुछ भी नहीं किया जज साहब, वो निर्दोष है, उसने किसी को नहीं मारा जज साहब। मानो जी, ये बात आप इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं?
क्योंकि खून मैंने किया है जज साहब, मैंने खून किया है। मुझको रंजन पर बहुत ही गुस्सा था जज साहब, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने विक्रम को गलती से आउट करा दिया, लेकिन इसलिए कि उसने उसके करियर के साथ साथ उसका प्यार भी छीन लिया। इसलिए मैंने रंजन को मारने का निर्णय ले लिया जज साहब। जज साहब, हत्यारा मैं ही हूं जज साहब। विक्रम निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया जज साहब, कुछ नहीं किया। इस केस का सत्य थोड़ा कड़वा है। सत्य यही है कि भानु जी ने हत्या की है, ये भी सत्य है योर ऑनर कि भानु जी विक्रम के पिता हैं। बचपन से इनको पाल पोस कर बड़ा किया, मां की कमी में योर ऑनर। ये चाहते थे कि इनके सुपुत्र इच्छानुसार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलें, लेकिन ये हो ना पाया। जब भानु जी ने इनके सुपुत्र से इनका प्रेम चिंते हुए देखा, तब इनसे रहा नहीं किया। दुर्भाग्यवश इस अदालत में मुझे भानु जी के विरुद्ध ये साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ रहे हैं। ये पत्र जो रंजन के लॉकर में पाया गया था, इसकी लिखाई भानु जी द्वारा लिखे गए स्कोर शीट की लिखाई से मैच होती है। एक काम कर, ये स्कोर कार्ड लेकर जा, ओरिजिनल पत्र प्राप्त कर, फोरेंसिक टेस्ट करवा। आई थिंक आई हैव करेक्ट। ये फोरेंसिक रिपोर्ट जो इस बात का प्रमाण है, ये भानु जी की इसी कलम से लिखावट की गई है। रंजन एक नंबर का चीटर था जज साहब, चीटिंग करके सेलेक्ट हुआ। मुझे यकीन था कि अगर मैं रंजन नाम के कांटे को हटा दूंगा तो मेरा बेटा एक स्टार क्रिकेटर बन पाएगा, जो मैं कभी नहीं बन पाया जज साहब। मैंने रंजन को मारने के लिए स्पाइडर कैम के रिग का इस्तेमाल किया था जज साहब। जब मैंने गौरव और रंजन को जगड़ते देखा तो मैंने सोचा सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सारा दोष गौरव पर लगाने के लिए मैंने उसके बैट का इस्तेमाल किया जज साहब, और एक इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर को पैसे देकर स्पाइडर कैम के रिग में बैट को फिट करवा दिया। विक्रम ने मुझे संजना और रंजन के अफेयर के बारे में बताया था, इसलिए मैंने एक रोमांटिक चिट्ठी लिखकर रंजन को स्टेडियम में बुलाया, और फिर मैं कंसोल रूम में जाकर रंजन का इंतजार करता रहा। और जैसे ही रंजन स्टेडियम में आया तो मैंने स्पाइडर कैम ऑन कर दिया। मेरा वार ठीक निशाने पर लग गया जज साहब, और रंजन को उसके किए की सजा मिल गई। यह अदालत भानु सिंह को रंजन केनी की हत्या का दोषी पाती है और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाती है, और गौरव कामत को इस केस से और सारे इल्जामों से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।